नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के रमते राम रोड की मार्केट में, जहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। और आज का जो मुद्दा रहने वाला है, दरअसल वो रहेगा देश में धर्म विकास की बयार, यूपी से संभव देश का उद्धार। और इसी सवाल के साथ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। पंडित अशोक भारतीय। भारतीय जी, ये जानना चाहूँगा, क्या ये सही बात है कि यूपी के अंदर जो बयार चल रही है वो एक सनातन की बयार चल रही है, उद्धार की बयार चल रही है? 500 साल के संघर्ष बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो यूपी में यूपी का विकास भी होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और विपक्ष जो तरह तरह के आरोप लगाता है वो भी सब खत्म हो जाएगा। पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी पता है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विपक्ष इसे मुद्दा ना बनाए और ये जो काम पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका फेरेगा। देश का उद्धार यूपी से ही जुड़ा हुआ है। देश का उद्धार यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और इतने बड़े तो बहुत देशों की जनसंख्या भी नहीं जितनी यूपी में है, तो यूपी से ही पूरे देश का विकास निश्चित है। आपका क्या मानना है, क्या वाकई कि यूपी से पूरे देश का विकास जुड़ा हुआ है? और सनातन की अगर हम बात करें तो सनातन भी यूपी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, अयोध्या की बात हो, या फिर उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, ये सच है, ये यूपी से ही जुड़ा हुआ है। बाकी जहाँ श्री राम सब तब हो जाएंगे काम, सब हो जाएंगे काम। तो लग रहा है 22 तारीख जो जनवरी है, 22 जनवरी को डेट भी सुनिश्चित हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कितना भव्य कार्यक्रम रहने वाला है? ये इतना पहली बार भव्य कार्यक्रम रहना आज जिंदगी में आज तक हुआ ही नहीं है। करोड़ों लोग पहुँचेंगे। करोड़ों से भी ज़्यादा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार मुद्दा बना देता है इसको लेकर, वोट तो उनको चाहिए लेकिन सनातन पसंद नहीं है, सनातनी पसंद नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रवीण बत्रा है। सनातन धर्म जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। जो ये विपक्ष द्वारा जो ये फैलाया जाता है ये बिल्कुल भ्रम होता है, और विपक्ष जो है इसमें भी राजनीति कर रहा है। धर्म तो धर्म के बिना देश में कुछ नहीं है, धर्म शुरू से आधार रहा है। क्या विपक्ष केवल वोटों के लिए परेशान है और सनातन धर्म स्वीकार नहीं है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल, विपक्ष जो है असल में इसको स्वीकार करना नहीं चाह रहा है, जबकि विपक्ष में भी ज़्यादातर लोग इसी धर्म के मौजूद हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष एक इसे मुद्दा बनाकर इसे अलग से ले जाना चाहता है, लेकिन श्री राम सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगर भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, इस तरह के बयानबाजी होती है उनकी तरफ से, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? उनकी इच्छा है अखिलेश यादव की, जाओ जाओ मत जाओ, लगता है भगवान बुलाते हैं तो ही जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं। आदमी की मनोइच्छा होती है, ये आदमी की मनोइच्छा होती है जाने की, ऐसा कुछ नहीं होता कि भगवान बुलाना है तो जाता है, हम अपनी इच्छा करेंगे तो भगवान बुलाएगा, और जब अब तक इच्छा ही ना होगी तो कहाँ से अखिलेश यादव और कहाँ से कोई कैसे जाएगा। लग रहा है कि वाकई जो सनातन धर्म है उसकी जो बयार चल रही है वो यूपी से ही चल रही है और देश भर में है, और देश की ताकत बन चुकी है एक तरह से, यूपी से ही चल रही है सारी, यूपी से चल रही है। और 22 तारीख को किस तरह से देख रहे हैं, 22 जनवरी जिसका सभी इंतजार भी कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा श्री राम, एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा 22 तारीख, एक तरह से कहा जाए दूसरी दीपावली 22 तारीख को होगी, दीपावली बनेगी। विपक्ष इस चीज़ को मुद्दा क्यों बनाती है कि सनातन से परेशानी है लेकिन वोट जरूर चाहिए, वोट सनातनियों की चाहिए? अब विपक्ष तो विपक्ष की जाने जी, इस बारे में तो वही बता सके हैं क्या करना, विपक्ष जाने। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा। अरुण सिंह। अरुण सिंह जी, आप चर्चा सुन रहे हैं, किस तरह से चर्चा हो रही है, क्या कहते हैं, यूपी से ही वाकई एक बयार बह रही है सनातन की, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या राम मंदिर की बयार तो बह रही है कई हजार साल से। हाँ। और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, किसने क्या कहा सबका छोड़ो, 22 तारीख का इंतजार करो और 23-24 के बाद वहाँ पहुँचो। हिंदुस्तान की ताकत सनातन, विपक्ष को क्यों लगे यश प्रश्न, क्या कहेंगे? अरे जो लग रहा लगने दो, ताकत तो सनातन है ना हिंदुस्तान की, ये तो प्रश्न ही गलत है, ताकत तो हिंदुस्तान हिंदूमय राष्ट्र है, हिंदू सनातनी राष्ट्र है ये। हाँ। और आज से नहीं कई हजार साल से है। हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। हाँ। क्यों कह रहे हैं ये वो जाने। अच्छा, बुलावा जाएगा क्या उनको, जिस तरह से वो इंतजार करने के बुलावा जाएगा, आवश्यकता क्या है? हाँ। जिस दिन इच्छा होगी उठ के चल देंगे लेके कमंडल अपना। हाँ। बस क्या अभी कुछ कह रहे थे आप, अखिलेश जी के पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उन्हें जो है जान से मरवाया था, और वो जो है अब बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, चुनाव के लिए स्टंट कर रहे हैं,
पूरा देश उस चीज का विरोध करता है। अच्छा, ये कितना सही है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, कितना सही है, कितना सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है, ये हमारे धर्म में शुरुआत बुनियादी सी पे है कि सर्वधर्म का सम्मान करिए आप और दूसरे धर्म का भी सम्मान करिए आप, इसलिए इसलिए हिंदुस्तान में सर्वधर्म के लोग आराम से रहते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से इधर उधर होता रहता, वरना मामला बहुत बढ़िया है हिंदुस्तान में। चलिए, बहुत अच्छा है। देश में धर्म विकास की बयार, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर, जिसकी शुरुआत यूपी से है और यूपी उसका गढ़ माना जा रहा है? हमारा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश है और इसी में से उत्तराखंड निकला है, पहले उत्तर प्रदेश ही था, और हर हमारे धर्म का उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा विकास है। शिव जी जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, और हम इस आस्था पर जीवित हैं और सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि। हिंदुस्तान की ताकत जो है वो सनातन है, मानते हैं आप? हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। क्यों नहीं मानता इस बात को विपक्ष? ऐसे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धर्म में राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए, हमारी आस्था धर्म से है, राजनीति से नहीं है। विपक्षी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बुलावा आएगा तो जाएंगे 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में। भैया, जब बुलावा आता है तो सभी जाते हैं। बुलाएगा कौन? जब बुलाता है तो भैया सब। राम जी बुलाएंगे, खुद इन्विटेशन देंगे? रामचंद्र जी बुलाए थे तो भैया वहीं जाना पड़ता है। हाँ। फिर राम राम सत्य ही होती है। बिल्कुल, तो आपने सुना, क्या नाम है भैया? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी, क्या कहेंगे, भारत सनातन धर्म है, देश है? है, उसमें हिंदू मुसलमान सबसे ही अलग वे है, कहने मतलब ये है कि सबका सम्मान होता है सनातन। मंदिर बनना है श्री रामचंद्र जी का, भगवान सभी को बुलाते हैं। देखो जुदेशनाथ मंदिर का कितना हुआ, कितने आए नए साल पर, कितना हुए हुआ, तो सब कोई भारत के अंदर सनातन धर्म की पूछ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? विपक्ष जो है मुद्दा बना देता है, अलग अलग तरीके से मुद्दे बनते चले आते हैं। बिल्कुल बाबूजी, एक और सवाल यहाँ पर ये है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे जोड़कर बार बार राम मंदिर को देखने लगते हैं, कह देते हैं यही वजह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उसके बाद चुनाव है। ये तो अपने अपने चश्मे हैं, अपने अपने रंग के, हर एक के अपने चश्मे हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या है ये तो 24 को अपना बताएगा। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? भगवान कभी नहीं बुलाते, अपना आप जाना पड़ता है, भगवान तो हमेशा हमारे अंदर है, हमेशा रहेंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अखिलेश यादव इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं या फिर खाली बयानबाजी कर दे रहे हैं? ये उनकी अपनी सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये कितने मानेंगे, देश भर में अब सनातन की बयार है, वो उत्तर प्रदेश से चल रही है, इसको कितना सही समझते हैं? 101%। क्या लगता है इस बार क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर? वो तो 24 को ही पता लगेगा। नहीं, 24 तो चल गया है, लेकिन लोकसभा को लेकर क्या लग रहा है, इसका भाजपा को कितना बेनिफिट होगा? भाजपा को पूरा बेनिफिट है इसमें, पूरा बेनिफिट है इस बार भाजपा को। लग रहा है कि मंदिर बनने से और भी फायदा होगा। अब फायदा नुकसान के हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें इतना इस सरकार में हमें श्री राम जी के दर्शन हुए, स्वागत हमें सौभाग्य ये प्राप्त हुआ, श्री राम मंदिर बनना हमारे लिए यही बहुत है। श्री राम के एक बार नारा तो लगा दें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो नारे हैं, ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में, उसको लेकर पहले से ही जो पब्लिक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक मन के अंदर एक खुशी की दौड़ है, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से जो बयार चल रही है सनातन धर्म की, वो बयार पूरे देश भर में है और जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश ही है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव के अंदर इस पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही विपक्ष जो लगातार मुद्दा बनाता है और विपक्ष जो ये कहता है कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, उसका असर कितना पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।